जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस आपके लिए खुशखबरी तो आ ही चुकी है कि आपकी आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की वैकेंसी 2024 जारी हो चुकी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर आपको इसके सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अच्छे से टॉपिक वाइज जानकारी दी जाएगी, ताकि आप जो आपकी प्रिपरेशन है उसको ऑफिशियल वे में स्टार्ट कर सके अगर आपने अभी तक नहीं की है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस न हो। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके यहां पर बेल आइकन ऑन कर लो। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा गाइस। चैनल सब्सक्राइब इसलिए करने को मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे, आपके लिए सबसे पहले फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई जाएगी, जिसको वॉच करके आप फॉर्म को भर पाएंगे। मैं यहां पर अपने इस चैनल के ऊपर ऑल इंडिया की जॉब अपडेट तो कवर करता ही हूं, साथ ही फॉर्म फिलअप की वीडियोस भी यहां पर प्रोवाइड कराता हूं, आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो गाइज आपने उम्मीद तो करके रखी होगी इस भर्ती से कि आपकी 10,000 प्लस पोस्ट आएगी, बट आपकी वैकेंसी काफी कम है, जो कि 2,250 है, जिसमें 2,000 पोस्ट आपकी कांस्टेबल की है और जो आपकी 250 पोस्ट बाकी बचती है ये आपकी एसआई की है। मैं यहां पर पहले आपको इस वीडियो में एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं, यानी कि आपको बता दूं कि इसमें कौन लोग इलिजिबल होंगे, ताकि आपको कोई और वीडियो को देखने की आवश्यकता न पड़े और इसी वीडियो से आप इलिजिबिलिटी के बारे में भी जान लें एंड आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी आप इसी वीडियो से जान लें। तो इसीलिए कह रहा हूं कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको यहां पर अच्छे से दी जाएगी। तो गाइज यहां पर आपको इसमें जो एज लिमिट है वो क्या रखी गई है, अगर उसके बारे में जानकारी दी जाए तो गाइज इसमें आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 साल रखी गई है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए, एंड मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है। फिर जो आपकी एसआई की पोस्ट है, इस पर मिनिमम एज लिमिट 20 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है, यानी कि एसआई की पोस्ट पर भी 25 साल की एज तक अप्लाई कर पाएंगे। यहां पर गाइज छूट मिलती है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी को और ओबीसी को, यहां पर आपको दी जाएगी। कितनी मिलती है देख सकते हैं, एससी को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की। यहां पर गाइस जो आप उम्मीद करें कि आपको भी छूट मिले, जो कि मिलनी भी चाहिए क्योंकि इतने टाइम के बाद में वैकेंसी आई है, ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट ओवर एज हो गए होंगे, तो ऐसे में मुझे लगता है कि जनरल वालों को भी यहां पर कम से कम 3 साल की छूट तो मिलनी ही चाहिए, जैसे कि यूपी पुलिस ने भी अब जनरल वालों को 3 साल की छूट दी है। तो आपको क्या लगता है वो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। इसके बाद यहां पर गाइस अब क्वालिफिकेशन भी आप देख लीजिए। क्वालिफिकेशन यहां पर एसआई की पोस्ट पर डिग्री की मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर सिंपल 10वीं पास मांगा है, कोई परसेंटेज लिमिट भी नहीं मांगी कि हां आपकी उस सब्जेक्ट में उतनी परसेंटेज है या फिर उसमें उतनी हो, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद में गाइस यहां पर बात आती है आपकी एप्लीकेशन फीस की, कि एप्लीकेशन फीस आपको क्या पे करनी है। तो मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन फीस यहां पर जो पे करनी होगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रुपए एंड एससी एसटी विकलांग को 250 रुपए फीस पे करनी है। तो ये सब जानकारी आपने यहां पर जान ली है। सैलरी यहां पर जो दी जाएगी कांस्टेबल की पोस्ट पर वो 21,700 रुपए से लेकर के 69,100 रुपए, साथ जो अलाउंसेस मिलते हैं वो मिलेंगे। एंड एसआई की पोस्ट पर 25,500 रुपए से लेकर के 81,100 रुपए पर मंथ प्लस अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। तो आपने इलिजिबिलिटी के बारे में तो यहां पर जानकारी जान ली है। अभी हम यहां पर बात करते हैं आपके इस एग्जाम के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, किन मोड में होगा एंड उसके बाद में फिर आपका पैटर्न क्या है। तो इसमें जो गाइज आपका सिलेक्शन होगा दोनों पोस्ट का यहां पर बताया जा रहा है, कांस्टेबल का भी और एसआई का भी। तो इसमें फेज फर्स्ट है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। उसके बाद में जो लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, सॉरी फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट यानी कि पीईटी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि पीएमटी ये आपका रहेगा, जो कि आपका रेलवे के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद में फेज थ्री होगा जो कि आपका यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहेगा, इसमें आपको यहां पर मेडिकल का कोई नहीं बोला है तो आपका मेडिकल इसमें नहीं होगा। साथ ही कहा है कि द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी एमटी, यानी कि जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है ये हो जाने के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब जो ये आपका फेज फर्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि जो आपका एग्जाम है ऑनलाइन, ये आपका कैसे होगा और कहां से आएगा, इसका पैटर्न क्या है, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। मैं आपको डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही ये जानकारी दे रहा हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से कोई जानकारी आपको दे रहा हूं। तो चलिए उसके ऊपर आते हैं। तो इसी नोटिफिकेशन में आप यहां पर देखेंगे कि आपको आपका एग्जाम पैटर्न दिया है। मैं इस नोटिफिकेशन में थोड़ा सा इसको मैंने कहीं और पर ओपन करके रखा है, यहां पर आता हूं और जानकारी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं।
तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। जो आपकी SI की पोस्ट है यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इस पर आपको 90 मिनट यानी कि डेढ़ घंटे का समय मिलेगा एग्जाम के लिए। एंड इसके अंदर 120 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से आएंगे, फिर आर्थमेटिक से आएंगे। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, आर्थमेटिक से 35 क्वेश्चन एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से जो आपकी कॉन्स्टेबल की पोस्ट है, इस पर भी आपके जनरल अवेयरनेस से 50, आर्थमेटिक से 35 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पर आपका पैटर्न दोनों का सेम ही रखा है, बस क्वेश्चन का आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो लो और ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्या है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पर आपके 35% रखे हैं बाकी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, एंड जो SC ST कैटेगरी कैंडिडेट है इनके लिए यहां पर 30% रखे हैं। यानी कि इतने तो मार्क्स आपको कम से कम लाने ही होंगे इस एग्जाम के अंदर। अब गाइस यहां पर कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहेगा कि क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि गाइस यहां पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी सवाल आते हैं। दूसरा आता है लैंग्वेज ऑप्शन, एज पर द नॉर्म्स यानी कि जो लैंग्वेज ऑप्शन है वो रेलवे बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन दिया जाएगा। नॉर्मली यहां पर हिंदी इंग्लिश के अंदर ये एग्जाम आता है, तो वैसे तो आपकी एग्जाम की लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश ही रहेगी, पर अगर जैसे कि SSC ने अभी रूल चेंज कर दिया है, अब SSC के अंदर भी आपको कम से कम 12-13 लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, तो अगर इसमें भी वो रूल फॉलो किया जाता है तो फिर ऐसे में आपकी जो लैंग्वेज की लिमिट है वो बढ़ जाएगी। जो आप एग्जाम दे पाएंगे वो अन्य लैंग्वेज में भी दे पाएंगे जो रीजनल लैंग्वेज होती है उनमें, एंड अगर वो नहीं बढ़ती है इस वैकेंसी के अंदर तो फिर आपका हिंदी एंड इंग्लिश इन दो लैंग्वेज के अंदर आपका पेपर आएगा, जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे वो कर सकते हैं। एंड यहां पर आपको ये भी बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है आपको यहां पर दिया है कि दि स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सब इंस्पेक्टर विल बी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल एंड फॉर कॉन्स्टेबल ऑफ मेट्रिकुलेशन, यानी कि जो आप SI की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे और जो उसमें आपके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके सेम सब्जेक्ट से ही आएंगे पर जो उसका डिफिकल्टी लेवल होगा वो आपका SI वो आपका ग्रेजुएट लेवल का होने वाला है, यानी कि जिस लेवल के क्वेश्चन आपके ग्रेजुएट की पोस्ट पर ग्रेजुएट के एग्जाम में होते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन आपके SI की पोस्ट के एग्जाम में आएंगे। एंड इसी प्रकार से जो आपकी कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, इसमें जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल होगा वो 10th लेवल का रहने वाला है। तो ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो चुकी है। अब गाइज आपके मन में जो सवाल आ रहा है नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, उसके बारे में मैं आपको आंसर करता हूं कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी। तो चलिए उसका ऑफिशियल आंसर भी आपको यहां पर दिया है, तो आप ये 8 पॉइंट रीड करेंगे। तो आपको बोला कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल क्वेश्चन एंड शैल बी अवार्डेड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि प्रत्येक सही जवाब देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि 120 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए आपको 120 ही नंबर दिए जाएंगे। फिर आपको यहां पर वो लाइन देखने को मिलेगी जो कि काफी आपको हैरान करेंगी, तो वो लाइन ये है कि इसमें आपको बोला है 1-3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई। जी हाँ, आपने सही सुना, यहां पर गाइज आपकी 1/4 की नहीं बल्कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और ये बताते हुए और आपको यहां पर दिखाते हुए मुझे काफी बुरा लग रहा है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है और वो भी 1/3 की ना कि 1/4 की। तो ऐसे में गाइज जो आपके अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है, आपको इस अद्भुत कला का यहां पर प्रदर्शन नहीं करना है। अगर आप इसका प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए गाइज मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसे कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके अपने आप को मर्डर करने से रोक लिया था, तो आपको सेम लेवल का कंट्रोल अपने ऊपर करना होगा, क्योंकि उन्होंने तो गाइज कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके एक मर्डर करने तक रोक लिया था, आपको तो फिर भी एक छोटी सी नेगेटिव मार्किंग रोकनी है। मैं आपको ये कंट्रोल इस लेवल का करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइज जब हम आंसर करते तो वहां पर हमें बहुत सारे जो ये क्वेश्चन है आपके ऐसा लगता है कि ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, यानी कि सभी मिलते जुलते ऑप्शन आते हैं, आपको पता ही है। तो ऐसे में हमारे अंदर जो तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो हमें बार बार ये कहती है कि यार इसका आंसर ये कर दे, क्या पता सही निकल जाए। तो ऐसे में आपको इस कला के ऊपर कंट्रोल रखना ही होगा, नहीं तो आपको लेने के देने जरूर पड़ेंगे और वो भी बहुत ज्यादा पड़ेंगे। 1/4 में तो कम पड़ते हैं, 1/3 में काफ़ी ज़्यादा आपको लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे, इसलिए आपको कंट्रोल रखना होगा। और ये जो मैंने इस अद्भुत कला के बारे में और प्रदर्शन करने के बारे में लाइंस बोली है, ये थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोली है, आप इनका भाव समझ जाइएगा और ऑफेंड मत होइएगा। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ जो कि जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके बहुविकल्प यानी कि MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको आप बोलते हैं। तो आपने यहाँ पर आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लिया है। अभी पैटर्न के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको देता हूँ, वो क्या जानकारी है वो आप यहाँ से चेक कर ले। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि जो आपकी यहाँ पर SI एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है इसमें आपके टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मार्क्स इन रिटर्न एग्जाम कम से कम कितने प्राप्त करने होंगे, तो आपको मेरिट लिस्ट में अपने आपको डालने के लिए
नेट प्रोसेस तक जाने के लिए आपको यूआर ओबीसी अगर आप है क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम तो 42 नंबर चाहिए एंड एससी एसटी को 36 नंबर चाहिए, उसके बाद मेरिट डिसाइड करेगी कि आप यहां पर सिलेक्ट होते हैं या फिर नहीं होते हैं। इसी प्रकार से कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर भी 42 और एससी एसटी पर 36 नंबर आपको कम से कम चाहिए ही। अब ये हुआ आपका पैटर्न। अभी हम यहां पर बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में जो कि आपको यहीं पर दे दिया है जनरल अवेयरनेस। जैसे कि जनरल अवेयरनेस है तो इसमें क्वेश्चन कहां से आएंगे, इसमें क्वेश्चन आपको बोला कि क्वेश्चन विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंटल एनवायरमेंट अराउंड हिम हर एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी कि जो कैंडिडेट के आसपास में एनवायरमेंट होता है उसको टेस्ट किया जाता है, तो आपको अपने आसपास क्या हो रहा है उनको पढ़ना होता है। अगर आप इसके लिए कोई स्पेशल स्टडी भी नहीं करते और आप अपना न्यूज़ के ऊपर या जो फिर यहाँ पर आपको ये टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, इनके ऊपर नज़र रखते हैं तो तब भी आप इसमें काफ़ी नंबर अच्छे ला सकते हैं। पर ये देखने में इतना आसान लगता है सब्जेक्ट, आप सभी को पता है जनरल अवेयरनेस सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं होती, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है और क्या आ जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। इसके बाद आता है आपका अर्थमेटिक। तो इसमें आपको बोला कि क्वेश्चन ऑन नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, ये सभी आपके टॉपिक्स यहाँ पर रखे गए जो कि आपको दिखाए गए हैं। फिर आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें भी आपके ये जो टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सोल्व, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिर यहां पर फिगर क्लासिफिकेशन, इसके अलावा आपका अर्थमेटिक नंबर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक रीजनिंग इटीसी, ये सभी आपके टॉपिक्स यहां पर रखे गए हैं। तो गाइज यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब आपने एग्जाम पैटर्न भी जान लिया और आपका सिलेबस भी जान लिया टॉपिक वाइज। अभी हम यहां पर बात करेंगे आपके पीएमटी के बारे में, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है इसमें क्या रहेगा। तो यहां पर 10 टाइम कैंडिडेट यानी कि जितने कैंडिडेट भी यहां पर एग्जाम देते हैं और जो आपकी वैकेंसी है, मान लीजिए आपकी एक वैकेंसी एक है तो उस पर 10 गुना कैंडिडेट आपके उस पोस्ट के लिए पीईटी और पीएमटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। यानी कि 2250 को आप या फिर 2000 को आप 10 गुना अगर कर देंगे तो उतने कैंडिडेट यहां पर पीईटी और पीएमटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इसके बाद में उसमें होगा क्या मैं आपको यहां पर थोड़ा बताता हूं। तो जैसे कि यहां पर ऐसा है कि अगर पोस्ट है तो उसमें 1600 मीटर की दौड़ होगी, 6 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा। इसके अलावा यहां पर गाइज ये जो है ये मैं आपको कैटेगरी वाइज बता रहा हूं मेल कैंडिडेट की है, इसमें लॉन्ग जंप भी होगा 12 फीट का और हाई जंप होगा 3 फीट 9 इंच का। फिर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की जो एसआई फीमेल के लिए यहां पर जो दौड़ होगी इसमें बेसिकली 1600 मीटर की नहीं होगी बल्कि 800 मीटर की होगी और इनको यहां पर 4 मिनट का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप 9 फीट का होगा और हाई जंप 3 फीट का होगा फीमेल के लिए। फिर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर यहां पर 1600 मीटर की दौड़ होगी और 5 मिनट 45 सेकंड का समय मिलेगा उनको एंड यहां पर 800 मीटर की दौड़ इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो इनका लॉन्ग जंप होगा 14 फीट का और हाई जंप होगा 4 फीट का। फिर कांस्टेबल फीमेल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर 1600 मीटर नहीं बल्कि 800 मीटर की दौड़ होगी और 3 मिनट 40 सेकंड का समय मिलेगा एंड 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा और 3 फीट का हाई जंप होगा, तो ये आपका इसमें रहेगा। इसके बाद में गाइज यहाँ पर हम हाइट के ऊपर आते हैं तो मैं हाइट आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट से दिखाता हूँ। तो हाइट कितनी रखी है तो इसमें यहाँ पर गाइज जनरल ओबीसी में मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल में 157 सेंटीमीटर, चेस्ट बिना फ्लाई 80 और फ्ला करके 85, जहां पर 5 सेंटीमीटर का फ्लाव जरूरी है। इसी प्रकार से एससी एसटी के लिए मेल में हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल में 152 सेंटीमीटर, चेस्ट बिना फ्लाई 76 और फ्ला करके 81.2 यानी कि 76.2 सेंटीमीटर तो बिना फ्लाई और फ्ला करके 81.2 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। गोरखाज, मराठाज, डोंगराज और अदर ये जो इस तरह की जाति है इनके लिए मेल में हाइट 163 सेंटीमीटर, फीमेल में 155 और चेस्ट बिना फ्लाई 80 फ्ला करके 85 हो जानी चाहिए, जहां पर 5 सेंटीमीटर का फ्लाव जरूरी है। तो गाइज ये भी आपने यहां पर पीईटी और पीएमटी के बारे में इसके जान लिया है। आई होप आपको यहां पर ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अभी इसमें उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तीसरे प्रोसेस में, जहां पर ये डॉक्यूमेंट आपके देखे जाएंगे जो कि यहां पर आपको लिस्ट दी गई है। इनमें जो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर लागू है वो आपको तैयार करना है, जो लागू नहीं है वो आपको तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर आपने इसके एग्जाम पैटर्न
सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी जान ली है। अगर अभी भी आपको कोई सवाल किसी चीज़ को लेकर के है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा गाइज, आप यहाँ पर अगर जो आपका इसमें एज लिमिट का है, एज लिमिट के बारे में आपको भी धरना देना होगा, जैसा कि यूपी पुलिस में जो मुख्यमंत्री ऑफिस है वहाँ पर जाकर के कैंडिडेट ने दिया था, तब जाकर के छूट मिली थी एज के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें भी एज में छूट मिले, क्योंकि ये वैकेंसी भी काफ़ी टाइम के बाद आई है, तो फिर आपको सेम वे का इसमें प्रदर्शन करना होगा, तब जाकर के आपको छूट मिल पाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।